चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या अपना जिसका ट्रिक नंबर थ्री। ट्रिक थ्री क्या है देखिएगा, आई इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स अपॉन थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगा दोगे, लग जाएगा इजिली, कितना लगेगा बोलिए आप बताइए। हाँ 4 to 5 मिनट लगा लेंगे इजिली। बट देखिएगा इसी को हम क्या एक ट्रिक बता रहे हैं कि आप इसी को विद इन 1 मिनट, क्या बोले 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने बोल दिया, 40 सेकेंड 30 सेकेंड में भी मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए क्या ट्रिक, देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है a cos x, क्या लिखा a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिएगा अच्छे से, हम लोग a into c का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या करेंगे a एंड c का मल्टीप्लाई। तो देखिए a c लिखा हमने, फिर क्या करेंगे b d का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ए सी प्लस डी डी अपॉन डिनोमिनेटर में जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स राइट प्लस लगा रखिए। देखिए फिर डिटरमिनेट की तरह हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे a इंटू डी ए डी, फिर माइनस लगा के b इंटू सी तो लिख दिया बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में लॉग लेकर के हम लोग छोड़ देंगे राइट और प्लस सी। तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ अपना साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स साइन एक्स, देखिए अगर इस फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स राइट अपॉन फोर कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इंटू डी एक्स राइट। तो चलिए साथ साथ इसको इसका हम लोग बताते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो देखी भी है हम लोग ने। तो देखिए क्या करेंगे a इंटू सी करेंगे ना, तो देखिए 2 4 8 हमने लिखा 8 राइट, फिर देखिए 1 3 3 ये लिख दिया 3 अपॉन 4 का स्क्वायर बोले 5, 4 का स्क्वायर 16, क्या लिखा हमने 16 राइट प्लस बोलिएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हम लोगों ने लिखा 9 इंटू एक्स, क्या लिखा फॉर्म में एक्स प्लस लगाइए डिनोमिनेटर लगाइए और डिटरमिनेंट की तरफ सॉल्व करिए। तो देखिए 2 into 3 6 माइनस 4 बन गया 4, ये लिखा 4 अपॉन ये भी वही आएगा 16 प्लस 9 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में लॉग क्या बोले 4 cos x प्लस 3 sin x और प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। कितना टाइम लगा, मैंने तो ज्यादा ही बोल दिया था 40 सेकंड का लगा, 20 सेकंड के लिए इजीली टाइम स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो देखिए अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहे तो क्या हो जाएगा 3 11 11 25 x प्लस बोले 2 25 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस सी, ये आंसर हो गया अपना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या अपना 1 upon 1 plus 10, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा 1 upon 1 plus 10x या समथिंग एक क्वेश्चन मैंने इसी टाइप को उठा लिया ऐड कर लिया इसमें। तो देखिए इसको पहले साइन एंड कॉस में हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि ये दुनिया कैसे दिख रही है साइन एंड कॉस में, तो हम लोग को साइन एंड कॉस में ही करना है। तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus 10 क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या लिखोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स इधर जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर वाला कॉस एक्स अपॉन क्या लिखेंगे बोलिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स राइट। एक ही था फार्मूले में क्या था अपना ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, बी यहाँ है नहीं मिसिंग है तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या लिखेंगे 0 sin x, क्या लिखेंगे 0 into sin x 0 into something 0 राइट। देखिए इसी फॉर्म में बन गया, हाँ बन गया बोलो बच्चों ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग प्रोसेस क्या है a इंटू सी, तो देखिए 1 into 1 क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 into 1 0 अपॉन
वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, वन का स्क्वायर इंटू एक्स राइट प्लस, ये बताइए वन इंटू वन डिटरमिनेंट लगाएंगे वन इंटू वन वन हो गया फिर जीरो हो जाएगा यानी वन अपॉन यही आने वाला वन स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये अपना फाइनल आंसर होगा। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 by 2 x plus 1 by 2 log cos x plus sin x, ये अपना फाइनल आंसर आया ना मजा। तो देखिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, इसको सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व किया जा सकता है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा 4 sin x minus 38 cos x upon 5 sin x minus 11 cos x, तो देखिए cos पहले ले आते हैं वैसे ही कर लेते हैं जैसे फार्मूला अरेंज है सिंप्लीफाई, तो माइनस 38 cos x प्लस करेंगे 4 sin x राइट, माइनस 11 cos x प्लस 5 sin x इंटू dx, चलिए बोलेगा क्या लिखेंगे हम 38 इंटू 11, तो 38 इंटू 11 मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस 38 इंटू माइनस 11 राइट, फिर क्या होता है प्लस 4 इंटू 5 क्या लिखोगे 20, या ऐसे लिख देता हूँ 4 इंटू 5 अपन माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू एक्स, ये लिखा हम लोगों ने राइट, फिर क्या लिखेंगे प्लस डिटरमिनेंट लगाएंगे तो देखिए 38 इंटू 5 तो लिख लिया मैंने माइनस 38 इंटू 5 माइनस, देखिएगा माइनस 11 इंटू 4 तो मैंने लिख लिया माइनस 11 इंटू 4 राइट अपॉन क्या लिखेंगे माइनस 11 का स्क्वायर ये लिखा प्लस 5 का स्क्वायर इंटू log of denominator plus c, इसको कैलकुलेट कर लीजिए अपना आंसर आ गया राइट। नेक्स्ट कर लेंगे ना सर, तो कमेंट करके इसका फाइनल आंसर आप बता दीजिएगा प्लीज, इसका बताइए देखिएगा लिखा हुआ इसको सॉल्व भी करते हैं बहुत, अब देखिए हम लोग तो सीख ही चुके हैं स्ट्रक्चर क्या होता है कैसे क्या सॉल्व करते हैं, तो इस पे थोड़ा टाइम अपना और मैनेज करते हैं, थोड़ा आनी चाहिए ना एनर्जी, तो चलिए देखते हैं। चलिए फास्ट बताइए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इधर आएगा ऊपर क्या जाएगा अपना बोलिए फास्ट कॉस एक्स राइट, इधर बोलिए 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स इनटू डीएक्स, क्या मिसिंग है बोलिए बच्चे पाई साइन नहीं दिख रहा तो लिखो कौन होगा आपको लिखिए ना साइन एक्स, मैंने लिख लिया साइन एक्स, देखिए बिट तो बन गया ना आइए चलिए आंसर बोलिए 1 इनटू 2 2 0 इंटू 3 0 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 इंटू एक्स राइट प्लस डिटरमिनेंट लगाइए 1 इंटू 3 3 माइनस 0 इंटू 3 0 हो गया अपना अपॉन क्या लिखोगे 4 प्लस 9 क्या लिखेंगे 4 प्लस 9 ब्रेकर में कर लो इंटू लॉग बिना जो क्या है 2 कॉस एक्स क्या है 2 cos x plus 3 sin x plus c, तो चलिए अरेंज कर लो जल्दी से 2 plus 13 into x फिर क्या लिखेंगे plus 3 by 13 log 2 cos x plus 3 sin x plus c, तो आंसर आएगा बच्चों 3 5, चलिए एंजॉय करिएगा।